संगठनों द्वारा आज गौशालाओं में करीब 11 क्विंटल दलिया बनाकर गोवंश को खिलाया गया। इस दलिये में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां डाली गई है, साथ ही गायों के इलाज की व्यवस्था भी कराई गई है। गौ भक्तों ने सभी से आगे आकर गोवंश को बचाने में सहयोग की अपील की। दिलाने के लिए आप भी, हम पहले से भी, जब से ये कोरोना शुरू हुआ था तब से हम गौशाला से जुड़े हुए हैं और लोगों से फंड के लिए हमेशा आग्रह करते रहते हैं। फंड इकट्ठा करके जो भी हमसे होता है, हम अपने ग्रुपिंग के माध्यम से, हमारे व्यापार संस्थान के माध्यम से आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम गौशाला में करते रहते हैं। यहाँ तक कि किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो भी हम प्रोग्राम करते रहते हैं। और अभी जो ये लंपी डिसीज जो को बीमारी आई है गौ माता में, ये थोड़ा भयावह आई है और इसके लिए कई संस्थाओं से, हर समाज अलग अलग स्तर पर अपने तरीके से काम कर रहा है, हर व्यापारी हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है। फिर भी हमने कल एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हमने, हमारी मंडी परिषद जो संस्थान है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि गौ माता के लिए जितना हो सके